अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान। नई सुबह नए मेहमानों के साथ, जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना नया टॉपिक होता है, न्यू टैलेंट होता है, कोई नई डिस्कशन होती है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और आप मुझे इस टाइम अपने स्टूडियो में नहीं देख रहे। जैसा कि आपको पता होता है, तारा रारा हमेशा अपने स्टूडियो में करती है। ये शायद मेरा सेकेंड या थर्ड शो होगा जो आउटडोर है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक लोकेशन पर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब जो है लॉयर्स बैठे हुए, और लॉयर्स के बीच में मैं फंस गई। सब ब्लैक एंड वाइट जो है गेटअप में है, और ये इनका जो है थीम थी, मुझे हमाद ने थीम बताई नहीं। और इससे मेरी ये नाराज़गी भी है कि मुझे थीम बताते तो खैर मैं लॉयर नहीं थी, लेकिन किसी से मांग लेती इनके पास होते। तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हमाद अहमद मौजूद हैं, जो कि रिवाइवल ऑफ चेंज के फाउंडर हैं, इट्स अ वेलफेयर एसोसिएशन। तो वेलकम करती हूँ अपने शो पे, और तारुफ की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, इतनी शोज मेरे साथ ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप सब लोग जानते होंगे व्यूवर्स। और इनकी टीम मौजूद है, टीम का तारुफ हमाद से जो है हम करवाएंगे। अगर आप टीम की तरफ कैमरा जा रहा हो देख रहे हो कि माशाल्लाह मैं बड़ी हैप्पी हूँ कि मेरे साथ वुमेन एम्पावर बैठी हुई है। तो दो लड़के एक साइड है, लेकिन आज वुमेन एम्पावर है, तो इसीलिए बड़ी फ़खर की बात है मेरे लिए। और सब लॉयर्स हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, और आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आते हैं अगर अपने टॉपिक पर। हमाद से पहले मैं, अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैर खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमाद, आप बताएं कैसे हैं? मैं तो खैर एज यूजुअल वैसे ही बिजी, सार्कास्टिक, इविल, मसरूफ वैसे ही हूँ जैसे था, और अभी भी वैसे ही हूँ आपके सामने मौजूद। नहीं नहीं, हमाद अहमद जो है, एक अगर मैं बात करूँ रिवाइवल ऑफ चेंज की, तो बहुत ज़बरदस्त एनजीओ रन कर रहे हैं, और इंसान टीम के बगैर जो है अनकम्प्लीट होता है। इनकी टीम का बहुत हाथ है, बहुत मेहनत है। और ये भी मैं बताऊं कि हमेशा फ्रंट पे हमाद शो होते हैं, आज हमाद ने अपनी टीम को भी शो किया। अभी भी मुझे लगता है ये टीम कम है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये मेरी सिर्फ प्रोजेक्ट इंसाफ की टीम है जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, दैट इज़ फॉर दी जुवेनाइल ऑफेंडर्स, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ क्राइम कमिट कर बैठते हैं, और जाहिर सी बात है काफ़ी एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है जब एक बंदा खाने के पैसे नहीं होते, खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर इतने महंगे महंगे लॉयर्स की फ़ीस कैसे अफोर्ड कर पाएगा। तो ये हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था प्रोजेक्ट इंसाफ के नाम से, जिसमें हम लोग जुवेनाइल ऑफेंडर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ, उनके जो भी केसेस हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फाइट कर रहे हैं हम लोग, और उनको एक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है, और ये जो मेरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है ये प्रोजेक्ट इंसाफ की टीम है। अगर आप पूरी रिवाइवल की, मैं समझता हूँ, टीम बुलाती तो फिर ये कमरा छोटा पड़ जाता। अच्छा, ये भी छोटा पड़ जाता? जी जी बिल्कुल ऐसी है, हमें जो है बाय रोड पे करना पड़ता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं अपनी टीम का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि मेरी टीम जो है मेरे साथ ताउन करती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपके राइट हैंड पे भी एक लॉयर बैठे हैं, जो कि इससे पहले ऑफ स्क्रीन अगर हम बात कर रहे थे, तो ये आपका राइट हैंड है? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को मैसेज पहुंचाना था कि राइट हैंड पे जो बैठा होता है वो राइट हैंड ही होता है, तो इस वजह से। खैर मैं बिल्कुल नाराजगी करनी पड़ती करनी पड़ेगी, मैं जो है लेफ्ट पे बैठी हूँ। नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मैं समझता हूँ। देख लो क्या नाम है भाई, तुम्हें राइट पे कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं लेफ्ट पे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आप अपने शोज में भी देखे, कभी इसकी राइट पे कोई नहीं बैठता। हाँ जी बैठा ये जी, राइट पे जगह ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल बनाई है। ओके हो गया, अगर हम तारुफ करवाएं इधर। जी 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 बिल्कुल। आई स्टार्ट ऑफ विद इंट्रोड्यूसिंग माय टीम, जो कि मेरी टीम है। मेरी टीम ने मेरा साथ जो है, मैं समझता हूँ इन्होंने कॉन्स्टेंट सपोर्ट दिया है मुझे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एंड टिल द एंड, और आगे भी मैं यही सपोर्ट सिस्टम इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इनमें से एक भी बंदा मैं नहीं समझता कि होगा जिसका सपोर्ट सिस्टम कम हुआ हो या उसमें थोड़ी सी भी कमी आई हो, बाल के जो एक वो होता है ना विद, उसके बराबर भी कमी नहीं आई होगी, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो माई टीम इज़ वेरी मच लॉयल विद मी, विद द वर्क दैट वी आर डूइंग एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ। एंड आई विल स्टार्ट ऑफ विद इंट्रोड्यूसिंग माई टीम।
तो राइट हैंड पे जो मेरे बैठे हुए हैं वो एक तरीके से मेरे राइट हैंड भी हैं, हमजा बलोच नाम है इनका, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं। जो हमारा रिलीफ वर्क होता है, ऑपरेशन टास्क होते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। बहुत सारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, खिदमात हैं जो इन्होंने सर अंजाम दिए इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लिए, और जाहिर सी बात है आवाम के लिए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन आवाम के लिए चला रहे हैं। तो आवाम के लिए जो खिदमत करता है, मैं समझता हूँ ही इज़ द बेस्ट, एंड हमजा इज़ वन ऑफ दैट गाय। I would say that he is the best, but जी बिल्कुल 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 मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखें उस तरफ तो खैर जाना बनता है ना, क्योंकि women empowerment ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर मेरी पूरी टीम अगर दिखा सकते हैं आप प्रोजेक्ट इंसाफ की, तो आपको women empowerment के बारे में पता चल जाएगा कि how much we support that cause। तो अगर ये टीम की तरफ मेरा कैमरा अगर जा सकता है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। This is my whole team for Project Insaaf। लोग कहते हैं कि लॉ की ऐसी फील्ड है जिसमें खवातीन का आना इतना कोई अच्छा नहीं होता, बुरा मानते हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं, मगर ये उन सब के लिए एक मैसेज है कि ये सब खवातीन जो इधर बैठी हुई हैं, ये उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि इस फील्ड के अंदर खवातीन का इतनी खिदमात हैं। आसमा जहांगीर से अगर मैं शुरू करूँ, उसके अलावा इतने सारे जो है बेशुमार नाम हैं, तो देयर आर इंस्पिरेशंस, और ये वही ख्वातीन हैं जो कि मेरे साथ काम करवा रही हैं प्रोजेक्ट इंसाफ के अंदर, और ये जो है मेरे साथ एक तरीके से हर एक मोड़ पर इन्होंने सपोर्ट किया है। बी एड कोर्ट जाना हो या फिर ड्राफ्टिंग हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब मेरी जो पूरी टीम है, हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वी आर ऑल लॉ स्टूडेंट्स, हम लोग सब एक ही यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं, और अभी हम लोग अपने सेकेंड ईयर के अंदर हैं। हम लोग जो लॉ कर रहे हैं वो एफिलिएटेड प्रोग्राम है विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो इस दौरान हमको एक आइडिया आया था इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि हम लोग जो है माशरे के लिए क्या कर सकते, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी एक चला रहा था, तो उसके अंदर मुझे लॉ से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। तो हमने प्रोजेक्ट तकरीबन एक साल पहले ये आइडिया डिस्कस किया था मैंने अपनी टीम के साथ, मगर फिर इस पर वर्किंग करते 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 हमको एक साल हो गया, और हमने बस एक हफ्ते ही पहले अपना एक साल की कंप्लीशन जो है वो सेलिब्रेट करी थी। तो हमको जो है तकरीबन एक साल हो चुका है पूरा इस प्रोजेक्ट को चलाते हुए, एंड अभी भी रिसेंटली जो केस हम चला रहे थे, एक फॉल्सफुली अक्यूज था वो बच्चा, जिसके ऊपर हमें आज ही सुबह ही एक्विटल मिला है, और कंप्लीट एक्विटल मिला है। तो ये हमारी एक पहली अचीवमेंट रही है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और हम लोग आगे भी दीगर ऐसे ही जो है केसेस हम लोग लेंगे और ऐसे ही इनको फैसिलिटेट करेंगे। जो प्रोजेक्ट इंसाफ का मेन मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम जितने भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनको सिर्फ लीगल एड प्रोवाइड करें, उसके अलावा आफ्टर ट्रायल रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर जब एक 14 साल का, 12 साल का, 13 साल का बच्चा जब जेल में जा रहा है, वहाँ के माहौल में उठ रहा बैठ रहा है, तो एक जो डेवलपमेंट वाली एक स्टेज होता है वो अगर आप एक जेल जैसे एनवायरनमेंट में गुजार रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि आप जो है मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हो। तो उनको जो है जेल से निकालना ही हमारा मकसद नहीं है, जेल से निकालने के बाद उनके ऊपर वर्किंग हमारी शुरू होगी, जैसे कि एजुकेशन, अगर वो पढ़ना चाहते तो हम उनको एजुकेट करेंगे, अगर वो काम करना चाह रहे तो उनको किसी काम पर लगाएंगे, हुनर सिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ ताकि जो है वो बच्चा मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ अपनी खिदमत सर अंजाम दे सके, ये ना करे कि वो दोबारा जेल से निकल के उसी जुर्म वाले जो एक रास्ते पे वो चल रहा था दोबारा से उस रास्ते पे चले। तो ये एक जो क्रिमिनल माइंडसेट है, इसको इराडिकेट करने का, इसको ख़त्म करने का, इसको जड़ से ख़त्म करने का हमारा एक छोटा सा एक मकसद है, जिसमें हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और लोग हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं, मेरी टीम मेरे साथ तआवुन कर रही है, हमारे साथ लॉयर्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं, जो कि हमारे केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, केसेस लड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। तो हमारे साथ इनका तआवुन है जिनकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर मैं समझता हूँ कि पहुँचे हुए हैं। जैसे कि आपको बताया कि जिन बच्चों के लिए केस लड़ते हैं, स्पेशली कि वो वापस जेल से निकल के वो वर्कआउट ना करें, वही जुर्म वापस ना करें, तो आप एजुकेशन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जो जो करना चाहते हैं, जो कुछ भी, हम उनको वापस से एक एजुकेटेड बच्चा बना सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हमाद आपसे, इंसाफ है क्या, इंसाफ किसके लिए है, इंसाफ क्यों है? जी मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ हमने जो अपने माशरे में एक बहुत ही जो है ना माकूस से एक लफ्ज़ बना लिया है, हालांकि इंसाफ का अगर मैं मतलब समझता हूँ तो इसका मतलब है जस्टिस प्रोवाइड करना, इंसाफ मिलना, एक्सेसिबिलिटी एक इंसान को जो एक
ह्यूमन राइट है, बेसिक राइट है. तो अगर वो हम समझते माशरे में नहीं मिल रहा तो फिर आप बाकी की चीजें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. टॉपिक से टॉपिक निकलता है, जरूरी नहीं है इंसान एक टॉपिक पे रहे. तो एक टॉपिक और निकला जी, इंसाफ से गवर्नमेंट, बहुत बड़ा ताल्लुक होता है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट क्या करती है मेरी नज़र में तो मैं कुछ चीज़ें होती ऑन एयर नहीं कह सकती, क्योंकि ऑफ स्क्रीन कुछ बातें अच्छी लगती हैं. तो ऑन एयर कैसे कहें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट हैं? देखें, मैं तो एक अपनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, एंड द रीज़न वाई इट इज़ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है. इसी वजह से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की नौबत आई है, जिसकी वजह से हम लोग काम कर रहे हैं. वरना बोलने वाला है नहीं, मैं तो खैर ढके छुपे अल्फाजों में ही बात करूंगा मैं भी, क्योंकि जाहिर सी बात है. ये तो जो है नॉन गवर्नमेंटल बात रही. अगर मैं बात करूँ सैलाब की, जब भी सैलाब आया था आपने बड़ा वर्कआउट किया, मैं देख रही थी, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया. हम लोग, मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं खुद रोड पे चंदा के लिए निकली थी. मुझे काफी लोगों ने बोला आप तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, आप तो आर्टिस्ट हैं, आप तो क्यों, आप क्यों मांग रही हैं, आपको क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कि मैं अपनी आवाम के लिए मांग रही हूँ, और मजा तब है इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए. तो एक उसमें स्टूडेंट मुझे मिला था, काफ़ी टाइम बाद ये बात मैं ऑन एयर कर रही हूँ, अगर वो देख रहा हो तो मैं पहले से कहती हूँ कि मजबूरी थी, क्योंकि आप लोगों को जो है कुछ सिखाना समझाना हमारा काम है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. अगर आप किसी से कोई चीज़ सीखते हो तो बहुत आप खुश नसीब हो, आपकी गलतियाँ अगर आपको कोई निकालता है. हमाद, मैं पूरी टीम सुनिएगा, मैं एक जगह पे गई इकरा यूनिवर्सिटी के साथ, एक अलनाज बिरयानी सेंटर थी, हम लोग डोनेशन बॉक्स लेके गए, मेरी टीम मेरे साथ थी. तो मुझे एक बॉय ने कहा कि अगर कैमरा रख के मांगोगी तो अच्छा लगेगा. तो मैंने कहा सर अगर आपको डोनेट करना है आप करें, नहीं करना तो आप बहस नहीं करें मुझसे, और बाकी ये हमारी मजबूरी है, हम कोई कैमरा दिखा के नहीं चंदा मांग रहे, ना मैं अपने लिए मांग रही हूँ ना मैं अपने पेट के लिए मांग रही हूँ. तो खैर वो बहुत बड़ा एक, उन्होंने फ़ोन निकाले और अपनी मेरी वीडियोस बनाने लगे कि एक वुमेन है तो उसको हम डरा देंगे. तो आज मुझे ये बात तब याद आई, हमारे जो हैं लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो लॉयर्स बनेंगे जब, और एक कम्प्लीट होगी स्टडी, तो ये लोग भी इन चीज़ों को देखेंगे, फोकस करेंगे. तो जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मुझे बड़ी हंसी आई उन पर कि मैं कोई कैमरा दिखा के ना थोड़ी मांग रही हूँ. तो उस टाइम भी अवाम ने भी ये बिहेवियर किया, लेकिन गवर्नमेंट हमारी हमेशा नाअहल थी, है और हमेशा रहेगी. मैं एक नहीं एक हज़ार बार ये बात कहती हूँ, किसी को कुछ करना है तो मैं बैठी हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे अल्फाजों से प्रॉब्लम है तो मुझसे आके डिफेंड कर सकता है, मुझसे आके बात कर सकता है कि गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर रही. अगर मैं बात करूँ हमारे डीसी साहब की, डीसी साहब के पास हम चंदा मांगने जाते हैं, चंदा, मैं चंदा क्यों कहती हूँ, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, लोगों के लिए मांग रहे हैं. चंदा क्यों कहती हूँ, चंदा इसीलिए कहती हूँ कि अगर मैं जाती हूँ एक डीसी के पास, वो 30,000 रुपये देके कहता है बाबा इसमें आप जाओ और पूरा सिंध चला लो. ऐसे नहीं होता, पूरा सिंध 30,000 में नहीं चलता. आजकल एक घर 30,000 में राशन नहीं आता तो पूरे सिंध को हम कैसे चला सकते हैं? बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात करी आपने ताहिरा जी. जो भी हम लोग काम करते हैं वो लोग अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप कैमरे को दिखाने के लिए काम कर रहे हो, एक्स वाई जी कॉमेंट्स वगैरह. मैं तो पहली बात तो ये समझता हूँ कि अगर हम एक काम कर रहे हैं, मुआशरे के लिए कर रहे हैं, खुदा की रजामंदी के लिए कर रहे हैं, लोगों के फलाह के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये हमें ये छोटी मोटी चीज़ें अपने माइंड में बिठानी नहीं चाहिए. क्योंकि अगर ये छोटी मोटी चीज़ें अगर माइंड में बिठा के हम लोग काम करेंगे तो फिर काम नहीं होगा, सिर्फ उनकी सेटिस्फैक्शन ही हम पूरी कर पाएंगे और कुछ भी नहीं है. आपके बोलने यार मेरे बोलने से जी बिल्कुल, हमारे जब तक करप्टेड लोग बैठे हैं. मैं अच्छा है। मैं आपकी जो पॉइंट, आपकी जो बात थी उसी को मैं कोट करके, एक बड़ी अच्छी आपने बात करी थी जब आप गुफ्तगू कर रही थी कि कैमरे के लिए जो आपने कहा था ना कि कैमरे को सामने रख के सब काम होते हैं, सब चीजें होती हैं. मैं आपको आज ही की कहानी बताता हूँ जो हम लोग को अभी जो केस में हमको एक एक्विटल मिला है, जो केस में हम जीते हैं. तो काफ़ी एक अंडर प्रिविलेज फैमिली थी, उसका ही बेटा था. वो माँ जो है वो बेचारी 6 महीने से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि केस जो 6 महीने से चल रहा था और कोई भी नहीं था. हमको केस लिए हुए 4 महीने हुए थे और 4 महीने में हमने केस कंप्लीट किया. हमारे जो लॉयर थे सैयद अब्दुल अहद खान, उन्होंने ये केस लड़ा था और हम उनको सपोर्ट कर रहे थे. तो उन्होंने जब दुआएँ दी हैं ना मुझे, तो मैं ये समझता हूँ मैं अपना मकसद जो था ना मेरा पूरा हो गया या ऑर्गेनाइजेशन चलाने का. और द डे आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि आजकल जो हमारा मुआशरा है ना वो लगा हुआ है बहुत सारी एडिक्शंस के ऊपर,
ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये इंसानी फितरत है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग किसी न किसी चीज़ पे एडिक्टेड होते हैं। कोई फोन पे एडिक्टेड है, कोई ड्रग्स पे एडिक्टेड है, कोई किसी और चीज़ पे एडिक्टेड है, एडिक्ट से बात याद, कुछ अलग चीज़ है। ठीक है, मैं कहता हूँ सही है, ठीक है, सब हर कोई किसी न किसी चीज़ पे एडिक्टेड है। मैं समझता हूँ कि मैं जो है ऐसे लोगों की दुआओं पे एडिक्टेड हूँ, जब वो दुआ करते हैं मुझ में और जज्बा आता है कि मैं उनकी और दुआएं समेटूं और ऐसे लोगों की और दुआएं लूं, जिसकी वजह से मैं काम करना स्टार्ट करता हूं और भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाता हूं। तो मैं इनकरेज करता हूं हमारी यूथ को कि अगर कोई ऐसी एडिक्शन लेनी है आपने, तो मैं समझता हूं इन ऐसी दुआओं की एडिक्शन लें आप, आपको सुकून भी मिलेगा और आपको जो है एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। तो ये मैं कहना चाह रहा था। आपकी बात से अगर मैं बात जोड़ूं तो एडिक्ट किसी भी चीज़ की वो बड़ी गंदी है। एडिक्ट किसी चीज़ की ना लो बाबा, एडिक्ट चाहे वो सोने की हो, चाहे वो अपने बिस्तर की हो, चाहे वो रोने की हो, चाहे वो किसी इंसान की हो। आदत आपने बात एडिक्ट की तो मैं उस चीज़ को और एक्सप्लोर कर रही हूँ। एडिक्ट जो है बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, एडिक्ट अच्छी चीज की लग जाए तो क्या बात है, बुरी चीज की लग जाए तो जिंदगी बड़ा गर्क कर देती है, ये भी बता दूं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो अब आते हैं हमजा बलोच की तरह। हमजा जो है चुप बैठा हुआ है, कब से हमारी सुन। जी 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 बिल्कुल, मैं पूरी पूरी टीम की तरफ ही मैं आना चाहूंगा। हमजा बलोच तो खैर थोड़ी सी मेरे ख्याल से स्पेशल एक इंट्रोडक्शन हो गई, बाकी टीम मेरी बेचारी इधर बैठी हुई है। तो आज जो है हम लोग आज दायरे जी ऐसा है कि आज तारा बैठी है। आज देखे पाकिस्तान में, मैं एक बात कोट करूंगा, पाकिस्तान में कहते हैं कि औरत जो है वो मर्दों से नीचे। आज देख ले भाई, हम मर्द नीचे हुए हुए औरतों के। ठीक है, हम लोग माइनॉरिटी के अंदर है और वो मेजॉरिटी के अंदर है। यहाँ आ गया हम तो ये वापस। मैं इसी वजह से अभी जो है ना वो पूरी गुफ्तगू कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से फिर वापसी नहीं आ सकता यहाँ पे। और मैं बिल्कुल तो, साथ भी नहीं दूंगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम माइनॉरिटीज के अंदर है, मैं इस पे शिकायत कर ही नहीं रहा। हमाद ने दावत मुझे हमाद ने दिया, लेकिन मैं जो है ना हूँ वुमेन्स के साथ। जी 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 बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। मैं स्टार्ट करूंगा बाय इंट्रोड्यूसिंग जैस्मिन देवी। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ये जितनी पूरी टीम बैठी हुई है ये सारे कोर मेंबर हैं ऑफ प्रोजेक्ट इंसाफ एंड आर ऑर्गेनाइजेशन रिवाइवल ऑफ चेंज। तो आई स्टार्ट ऑफ विद जैस्मिन देवी। काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड एंथुजियास्टिक ये जो है खातून हैं, इन्होंने हर एक एलिमेंट के अंदर रिवाइवल का काम किया है। कोई भी जितना भी मुश्किल से मुश्किल टास्क क्यों ना हो, इन्होंने बखूबी निभाया है। और मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट की एक ख्वारी होती है, कोर्ट जाना, सिटी कोर्ट जाना एक ख्वारी होती है, तो वो बाखूबी से कैसे निभाते हैं, तो ये जैस्मिन देवी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकती हैं। उसके बाद अगर हम आएँ तो दैट इज़ मोनिश्का बोदानी। तो ये भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हैं बहुत ही एक एंथुजियास्टिक मेंबर हैं। मुझे जितना भी सपोर्ट मैं समझता हूँ इनकी तरफ से मिला है, मैं उसका बहुत बहुत मशकूर हूँ। एक एक एलिमेंट के ऊपर, हर एक एक चीज़ के ऊपर इन्होंने सपोर्ट किया है। नॉट ओनली दैट, थिंग्स दैट वर बियॉन्ड प्रोजेक्ट, इवन ऑन दोज एज वेल शी हैव सपोर्टेड मी। थिंग्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, इसके अलावा इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को जो एक भरपूर तरीके से सपोर्ट करना होता है, तो इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। देन वी हैव कायनात। कायनात हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी एक अच्छा मैं कहता हूँ पार्ट है, और मैं समझता हूँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक लकी चार्म भी है, क्योंकि जब भी हमारी हाजिरी लगती थी कोर्ट में और ये नहीं होती थी तो हमको अगली डेट मिल जाती थी, और जब ये होती थी उस दिन हियरिंग होती थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है इनकी। तो ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट इंसाफ का लकी चार्म है। और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड ऑफ मार्केटिंग भी हैं, पूरा जितना भी हमारा मार्केटिंग का काम होता है ये देखती हैं, बखूबी निभाती हैं, बहुत सपोर्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्क। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड दैट इज़ द थिंग आई रियली लाइक अबाउट हर, एंड द वे शी हैंडल्स द टास्क एंड एवरीथिंग, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, बहुत हार्ड वर्किंग है ये। द नेक्स्ट वी हैव इज शानसे आलमगीर। बहुत ही थोड़ी सी शाई हैं, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट टाइप हैं, मगर जिस तरीके की इनकी पर्सनालिटी, इट्स अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। बहुत बखूबी ये जो है अपने टास्क सर अंजाम देती हैं। आप जो हैं कुछ भी दे दें इनको, बी इट एनी थिंग, बी इट अ चैलेंजिंग टास्क, बी इट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड, शी विल डू इट। अब वो कैसे करती हैं मुझे नहीं पता, मगर इनके पास सलाहियत है ये करने की। द नेक्स्ट वी हैव इज नाजिया असद। ये हमारी बहुत एक जो है ना इम्पोर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन का।
ये जब भी आती हैं ये समझ लें कि हाफ ऑफ द टीम कम्स टू द कोर्ट बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उनको जो है लेकर आती यही है खुद ड्राइव करके. तो अगर ये नहीं आती है तो मेरी हाफ ऑफ द टीम नहीं आती है खुद. तो इनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल मैं समझता हूँ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नहीं 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 नहीं, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, बी एट जो हमारे जो टेक्निकल टास्क वगैरह होते हैं, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसके अलावा जो हमारे लीगल वर्क होता है उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है हमें. तो काफ़ी हद तक इन्होंने सपोर्ट किया है. नहीं नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ क्या. नहीं नहीं, काफ़ी, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. देन लास्ट वी हैव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईमान बलोच. ये थोड़ी सी गुस्से की तेज़ हैं, मैं भी इनसे थोड़ा डर डर के रहता हूँ. खैर, इनकी वजह से टीम जो है वो पूरी सीधी रहती है. ये गुस्सा एक दफ़ा करके दिखा देती है, पूरी टीम सीधी हो जाती है, मैं भी सीधा हो जाता हूँ. तो इनसे आज तक ना मैं बहस करी है और ना ही करूँगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ रियली हार्ड वर्किंग एज वेल. तो काफ़ी हद तक जो है इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन रही हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से. और आखिर में मैं, खैर मैं तो तारुफ का मोहताज ही नहीं, तो मैं माइक जो है दोबारा तायरा जी को दे देता हूँ. अच्छा, हमाद जो है मेरा रियल नेम लेता है, बहुत कम लोगों को पता है कि मैं ताहिरा भी हूँ. तारा रारा मशहूर है तो लोग कहेंगे ताहिरा कहाँ है जिसको माइक दे रहा है. तो खैर, अगर मैं बात करूँ अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, तो सबका इंट्रोडक्शन मैंने सुना, लेकिन जिसकी आपने बात की ना कि पूरी टीम को लेकर आती है, मैं थोड़ा उसके साथ दूंगी. जी 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 जी. मेरी फैमिली में मैं थोड़ी फैमिली ड्राइवर हूँ, ठीक है. तो मैं कभी कभी गुस्सा आता तो मैं कहती हूँ क्या यार उबर करीम सर्विस खोली हुई है, तो आप भी ऐसे बोला करें ना, क्या उबर करें ड्राइव करने का. तो चलें दोनों चलते, फिर दोनों चलते हैं उबर में जॉब करते मर्जी के लोगों को. अच्छा, कोई कहे मुझे पिक करो और आपका दिल ना करे, आप छोड़ के आ जाती होंगी. यार ये देखो कितना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है, कह रही है मैं बोलूंगी मेरे पास गाड़ी ही नहीं है. और गुस्से वाली भैया, आपने किस पे कितने बंदे मारे हैं आपने? इतने सब भी नहीं है, इतने सब इतने सब नहीं है, जो रास्ते में आते हैं उनको पिक कर लेती हूँ, इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे. तकलीफ नहीं होती, तो जब आप पिक करके लेकर आती हैं तो ऐसा करती हूँ अगर तो लेट हो जाए 5-10 मिनट भी, जैसे मुझे भी लेट करवा लेगा घर के नीचे. ये आप उनसे पूछे जो वेट कराते हैं. सभी कराते हैं, सभी कराते हैं. फिर मैं गाड़ी में बैठ के अपनी मर्जी गाने सुनती हूँ. अच्छा, और जब ये आते हैं फिर इनकी मर्जी गाने लगते हैं. अच्छा, आप कौन से सॉन्ग लाइक करती हैं ज्यादा? मैं अच्छे अच्छे होने चाहिए, कोई प्रेफरेंस नहीं. इंग्लिश, उर्दू, तमिल भी सुन लेती हूँ. आप कहाँ रहते हैं? मतलब घर में रहते हैं. मतलब उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, तमिल भी सुन लेती हूँ. मतलब लैंग्वेज नहीं फर्क पड़ता. अगर हम बात करें वो बहुत शाय है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये चैनल, ये आप जो है ना, थोड़ी मुझे लगी कि मेरे चैलेंज, जैसे मैं भी चैलेंजेस देने का बड़ा शौक है, उस पर वर्कआउट करूँ. बिल्कुल बिल्कुल. कौन सा ऐसा चैलेंज है जो बड़ा हार्ड था आपने कंप्लीट किया अपनी लाइफ में? बस जो आते हैं लेते जाते बिल्कुल. तो कोई ऐसा याद है जिंदगी का कोई वाक्य ऐसा जो चैलेंज में हो आपने इसको? नहीं, बस रोज ही चैलेंजेस मिल रहे होते हैं अभी, ये याद तो नहीं रहता. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बस लॉक कर रहे हैं तो लाइफ चैलेंज ही रहती है. लाइफ में चैलेंजेस ही रहते हैं यार, बहुत टेंशन है लाइफ में, क्या करें. मतलब तू फुल टेंशन है, टेंशन की बात कर रही है. बिल्कुल, बस लॉ डिग्री जब आप कर रहे हो तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस है रास्ते में. बस बस कर लेते हैं वो, फिर हिम्मत करते हैं. ओके ओके भाई. और अगर हम बात करें लकी गर्ल की, ये अब आप बताएं कभी लाइफ में खुद भी कोई लकीस्ट चीज हुई है जो आपने माना हो? दूसरे तो बोल रहे हैं लेकिन खुद की जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं होता. नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप बोलते हो कि आप लकी हो. फॉर एग्जांपल, रिवाइव का पार्ट होना, प्रोजेक्ट इंसाफ का पार्ट होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लक है. और आई थिंक अगर हम आज की बात मानते हैं तो फिर हमें भी माननी पड़ेगी. जी, बस यही मोटिव है हमारा आज. यही सपने में रिवाइव हो. मुझे लग रहा है कभी हम आपके सपने में यार.
अगर सपने की बात करें तो हमारे जो है हिंदू कम्युनिटी दिवाली सर पर है, तो हैप्पी दिवाली, थैंक यू। सपने से याद आ गया, चलो अच्छी बात है। अगर हम बात करें इनकी तो ये भी मुझे गुस्से की तेज ही लग रही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये आज आपको गलत इन्होंने बताया, गुस्से की तेज है, मैंने जज किया। नहीं मैं बस कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट है जी। हाँ इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कॉन्फिडेंट नहीं नहीं कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो कि मैं हूँ। अच्छा लाइफ में आपकी क्या चल रहा है? लॉ चल रहा है। जब आप लॉ स्टूडेंट होते हो आपकी लाइफ में सिर्फ लॉ चलता है। अक्सर या तो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या तो हम अपने रिवाइव में काम कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि हमारे बताया हमारा मोटिव है हमारी पब्लिक को सर्व करना, जो कि हम अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहे होते हैं। हमने जुवेनाइल ऑफेंडर्स को काफ़ी सपोर्ट किया है, हम अक्सर जेल विजिट पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी फैमिली से मिलना होता है, वो जो एक देखना पड़ता है ना सिलसिला, वो इमोशंस का वगैरह हर चीज़ को हमने गो थ्रू किया है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। हम तो कहेंगे कि और लड़कियाँ इस NGO वगैरह में आएँ, सपोर्ट करें, इंकरेज करेंगे हम तो सबको। अच्छे काम के लिए बस बहाना नहीं हो, बाकी तो आ जाए हर कोई। रिवाइव का न्यूली रिक्रूट हुआ था, इसको मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, वो उठा रहा ही नहीं है, ये उठा रहा ही नहीं है। अगले दिन मैंने इसको मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया, इसको बात शायद याद हो ना हो, काफी दफा हो चुका है। उसके भी अगले दिन फिर आके मिलके बोलते हैं, हाँ भाई फोन कर रहा था, क्या काम है? मैंने कहा भाई वो जो काम है वो तो निकल ही गया। तो ये इसकी कुछ चंद आदतें हैं जो ठीक कर ले तो अच्छा है। क्या कर रहे हो यार, इस तरह तो कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह सर को लंबी हयाती दे, लंबी जिंदगी। कोई अपना जो अपना पराया मर मर आ जाए तो आप तो तीसरे पे पहुंचेंगे खाने के लिए। मेरा ख्याल है ये बाकियों से भी इस बात का जवाब लेना चाहिए। जासमीन बस यही है कि फोन नहीं उठाते हो और कोर्ट का मैसेज करते हैं 9 बजे पहुंचना है, खुद 10 बजे आता है। अब लीडर ये है। या एग्जैक्टली बुराइयां हैं तो बुराइयां तो बेइज्जती होती हैं। अब बुराइयां शुरू होंगी। मैं जाने के लिए चला जाता हूं। नहीं नहीं आपको ही आपकी बुराइयां सुननी पड़ेगी। अगर आप बताएं क्या गंदी आती है। कितनी बताऊं, बहुत सारी हैं। एक बता दें चलें। देखिए टीम में रहना है तो एक ही बताऊंगी, वही है कि मोबाइल में कॉल नहीं उठाता। ऐसे लोगों के पास मोबाइल होनी भी नहीं चाहिए, इनकी मोबाइल उठा के फेंक देनी चाहिए। वहाँ फेंक कर आएंगे। नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बुराई करूँ, कि मेरे दिमाग में कोई बुराई भी नहीं आ रही है, मेरी तो हमेशा कॉल उठा लेते हैं, तो मुझे तो ये भी शिकायत नहीं है इनसे, तो बस कोई शिकायत नहीं। हम आदत में लकी चाम को हाँ, मेरी कॉल इसलिए उठाते हैं क्योंकि उसको पता है मैं लकी चाम हूँ, कॉल्स के मामले में तो मैं भी बहुत लकी हूँ, मेरी उठा लेते हैं ये, पर कोर्ट के लिए ये क्या करते हैं, बोलते हैं मैं आ गया हूँ और आप लोग पहुँच जाएं। और मजे की बात ये हम वहाँ पहले से ही होते हैं और ये नहीं होते और ये सामने से आ रहे होते हैं। नहीं नहीं ये बाकायदा गेट से अंदर आ रहे होते हैं और हमें बोल रहे होते हैं मैं बाहर रूम में हूँ आप आ जाएं, और हम उधर ही होते हैं, हमें तो नहीं दिख रहे होते हम आज। और क्या प्रोजेक्ट इंसाफ की फैमिली जो सब मिलके वर्कआउट कर रहे हैं, सब फैमिली की तरह हैं? और एक ये तो खैर था हंसी मजाक पर, अगर बात करूं सीरियस टॉपिक पे आऊं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करूंगी अपनी टीम की तरफ से, तारा की तरफ से सबको अप्रिशिएट करूंगी, और ऐसी मेहनत करते रहें और मोहब्बत बांटें, नफ़रत बांटने से कुछ नहीं होगा। ये मैं मैसेज हमेशा एंड ऑफ द प्रोग्राम देती हूँ कि नफ़रत करने वाले बहुत लोग हैं, दुख देने वाले बहुत लोग हैं, ख़ुद को आप खुद खुश रखें। इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता जब तक आप खुद को हैप्पी नहीं रख सकते। बाकी रखें अपना ख्याल, अपना अपने प्यारों का ख्याल। हम आपको मैसेज देना चाहोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भलाई के काम जो है, फलाह के काम, आवाम की फलाह के काम जो हैं, उसमें आप उस चीज़ को तरजीह दें। अगर आप बुराइयों की तरफ जाएंगे तो फिर उसी में ढलते चले जाएंगे, अच्छाइयों के काम की तरफ बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसी में आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस मिलेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको अभी नहीं आखिरत में बहुत ज़्यादा काम आएगी,
तो मैं समझता हूँ कि अपनी लाइफ इस काम को देना, और चलो लाइफ अगर नहीं दे सकते तो थोड़ा सा अपनी लाइफ का हिस्सा ही इस काम को दे दें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ का एक जो पर्पस होता है, जो जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, अगर वो पर्पस आपको याद है तो आप इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करें और लोगों की फलाह के लिए, भलाई के लिए काम करना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया तायरा जी का, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो है मुझे हमेशा इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट किया। ईमान से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर कोई अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है तो कर सकता है। भाई हमने आपको ये तो बता दिया कि हमारी टीम करती क्या है एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि हाउ कैन यू रीच अस। तो आप हमारे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अंडर द नेम ऑफ रिवाइवल ऑफ चेंज। अगर आपको हमारी लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो आप हमें वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। इंटरव्यूअर को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे ट्रीट किया, जैसे हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं, हम बहुत नर्वस थे यहाँ आने से पहले, लेकिन अभी यहाँ आके हम इतना खुल गए, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। मेरा यही कहना है कि इस तरह के काम और करने चाहिए और टीम वर्क हमेशा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और हम आज जैसे लोग कम हैं। तो यही कहना है मेरा कि बस इस तरह के काम ज़्यादा करें आप। सिर्फ लीगल वर्क के बारे में मैं ये नहीं कह रही, मेरे कहने का मकसद है आप और भी बहुत अच्छे कामों में अपने आप को एंगेज करें और आगे बढ़ें। हमारा जो इनिशिएटिव है इसके थ्रू हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारा जो कॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ हमें रीच आउट करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और अगर हमारी किसी चीज़ से भी आपका असिस्टेंस चाहिए हो तो विल बी हियर फॉर यू। थैंक यू। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप भी आएँ और इन सब में हमारी मदद करें। ऐसे आप जानते हैं कि कोई मदद करने का मजहब नहीं होता, उम्र नहीं होती, ना ही कोई जेंडर होता। आप देख सकते हैं हम कितनी सारी लड़कियां हैं, आप भी आए, आवाज उठाएं और लोगों की मदद करें। हमारा बेसिक जो प्रोजेक्ट का मोटिव है, दैट इज टू प्रोवाइड जस्टिस टू दोज जिनको नहीं मिल रहा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि कायनात और ईमान ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आप हमें फॉलो और रीच आउट कर सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहूँगी दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। थैंक यू। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर जो टूट जाए तो शीशा तलाश कर, सजदे किए हजारों सदियां गुजर गई, जिंदगी बदल दे तेरी तू वो सजदा तलाश कर। तो मुझे दें इजाजत, मेरी टीम को दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।